एमआई न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रिया राजपूत। खबर सिक्किम से सामने आ रही है जहाँ पर सिक्किम में बादल फटने से बाढ़ ने जो है भीषण तबाही मचाई हुई है। जी हाँ, उत्तर सिक्किम के लहोनक नदी के ऊपर बादल फटने से तीसदा नदी में बाढ़ आ गई, तो वही दूसरी तरफ बांध का पानी छोड़े जाने के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते पूरे कई इलाकों में जो है पानी भर गया, कई पुल बह गए और कई वाहन बह गए। तो बता दें आपको कि सिक्किम में लहोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीसदा नदी में बाढ़ आ गई। सेना के करीब 30 जवान लापता होने की खबर सामने आई। प्रशासन ने आसपास लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। वहीं तलाशी अभियान जो है लगातार जारी है। हादसे में घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिंगतम पहुंचे और यहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। सुबह पहले 23 जवानों के लापता होने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब करीब 30 जवान लापता बताए जा रहे हैं। गुवाहाटी में रक्षा पीआरओ ने सुबह कहा था कि सिक्किम के उत्तर में लहोनक झील पर अचानक बाढ़ आ गई, 23 जवान लापता हैं। चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसमें सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हो गए। सेना के 23 जवानों के लापता होने और 41 गाड़ियों के कीचड़ में डूबे जाने की खबर जो है सामने आई है। वहीं बीजेपी नेता उज्ञान शेरिंग ग्यात्सो भुटिया ने बताया कि सरकारी तंत्र को लगातार लोगों की जान बचाई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सिंगतम में सार्वजनिक संपत्तियों का जरूर नुकसान पहुंचा है। कुछ लोगों के गुमशुदा होने की सूचना है, जिन्हें ढूंढने की कोशिश चल रही है। तो इससे पहले बता दें आपको कि इससे पहले 18 अगस्त को उत्तराखंड में चमोली के थराली क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बादल फटने की घटना सामने आई थी। बादल फटने के बाद प्राणमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा था और पिंडर नदी भी उफान पर आ गई थी। नदियों का पानी लोगों के घरों और शिव मंदिर में घुस गया था, इससे भारी नुकसान हुआ था, कई घर जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिक्किम में जो है बादल फटने से बाढ़ आई, तो तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो बता दें आपको सिक्किम में लहोनक झील के ऊपर अचानक से बादल फट गया, जिसके चलते तीसदा नदी में बाढ़ आ गई। वहीं दूसरी तरफ बांध का पानी छोड़े जाने के चलते जो है नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते पानी जो है कई इलाकों में घुस गया, पुल बह गए और वाहन भी बह गए। तो बताया जा रहा है कि अभी भी जो है करीब 30 जवान जो है लापता है, जिनका जो है तलाशी अभियान लगातार जारी है। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। इंटरनेट की दुनिया का है ये बादशाह, जियो का जादू फैले हर जगह। दाम दम भी है, स्पीड में दम भी है, एंटरटेनमेंट का तड़का लगा। अब हर घर चलेगा, जियो फाइबर। अब हर घर जियो फाइबर। टीवी पर लेटेस्ट एपिसोड मिस हो जाए तो जियो टीवी में जाकर उसे कभी भी चलाए। 550 से अधिक टीवी चैनल्स और हॉटस्टार, सोनी लिव, जी जैसे ऐप्स का भंडार। अल्ट्रा हाई स्पीड से एंटरटेनमेंट मिलेगा मजेदार। जीरो सिक्योरिटी डिपॉजिट, सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा फ्री। जब प्लान शुरू हो सिर्फ 300